Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our assessment number 4. इस assessment के साथ ही हमारी जो 4th class की math की book है वो क्या हो जाएगी, आपकी complete हो जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है which are the missing number in the given pattern। जैसा कि मैंने आपको पीछे की एक्सरसाइज में पैटर्न करवाए थे, वहाँ पे आपको बताया था कि पैटर्न क्या होता है। जैसे हम घर में टाइल लगाते हैं, एक के बाद दूसरी टाइल को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उससे एक नया डिज़ाइन, नया लुक तैयार हो जाए। तो ये जो पैटर्न है सेम प्रोसीजर से है कि जैसा हमें पीछे दिया गया है सेम हमें आगे भी वैसा ही पैटर्न यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 11, 123, यहाँ पर 22, 234, 33, 345। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 11, 22, 33, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारा, 44 आना चाहिए। फिर यहाँ 123 के बाद यहाँ 234 है, 234 के बाद यहाँ 345 है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 111 को ऐड किया तो 234 आया, यहाँ पे 111 को ऐड किया तो 345 आया। अगर हम यहाँ पर 111 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 4 एंड 1 5, 3 एंड 1 4, तो 456 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पे, शो द टाइम By drawing the hands of the clock। यहाँ पे हमें वॉच दे रखी है, ये क्लॉक दी हुई है, तो इन क्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, टाइम दिया हुआ है 10:15, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टर पास 10। यहाँ पे हमें हैंड शो करने हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 15 को, तो 15 कहाँ पे आएगा हमारा, 3 पे, क्योंकि हम इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है मिनट, और मिनट के लिए हम बिग वाला हैंड यूज करते हैं। फिर है ये 10, तो इट मीन्स एग्जैक्ट 10 पे ना होके थोड़ा सा हल्की सी 10 से थोड़ी सी ऊपर हमारी वॉच का हैंड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10:15। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 3:40। यहाँ सबसे पहले हम 40 देखते हैं, 40 किस पे बनता है, 8 पे, 8 5 जा 40, क्योंकि जो भी हमें नंबरिंग दी गई है हम इनको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 8 जा 40 होता है, तो एग्जैक्ट हमारा 40 पे आ गया। अब आप ये सोचो कि 3 के बाद क्या आता है, 4 o'clock बचता है, तो 3:40 हो चुके हैं, अगर 3 पे ही हमारी सुई रहेगी तो 4 o'clock तक आने में तो टाइम लग जाएगा। जब ये यहाँ से अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुकी है तो हमारे यहाँ से भी जो शॉर्ट हैंड है इसका, स्मॉल वाला हैंड, ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये 3:40 हो गया। यह हमें दे रखा है 7:45, सॉरी सबसे पहले देखते हैं 55, 11:05 जा सॉरी 11, ये हो गया 11:05 जा 55। अब आपको पता है कि यहाँ पे 8 o'clock बजने में केवल 5 मिनट रहे हैं, अगर 7 पे ही हमारी जो स्मॉल हैंड है वो रहेगा तो 8 o'clock नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए हमारा जो स्मॉल हैंड है वो एग्जैक्ट 8 के पास आ जाएगा, तो ये हमारा टाइम हो गया 7:55। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, नेहा वांट्स टू पुट अ बॉर्डर, सॉरी, नेहा वांट्स टू पुट अ बॉर्डर अराउंड अ स्क्वायर टेबल विद ईच साइड मेजरिंग 120 सेंटीमीटर। अब यहां पर नेहा क्या चाहती है, एक बॉर्डर अराउंड अ स्क्वायर टेबल है उसके पास, उसको वो साइड मेजरिंग करना चाहती है, तो उसका जो बॉर्डर है उसको वो पूछना चाह रही है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉर्डर नीडेड, कि कितने बॉर्डर की नीड है उसे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नेहा है उसको चाहिए क्या,
उसको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर, ये उसकी टेबल है स्क्वायर। अब इसकी जो वन साइड दे रखी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। जब हमें यहाँ पर 120 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है तो यहाँ लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे वन साइड दी हुई है 120 सेंटीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। तो उसे बॉर्डर की कितने की ज़रूरत है, 480 सेंटीमीटर बॉर्डर की उसे नीड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर दे रखा है, अ ट्रेन कवर 712 किलोमीटर 350 मीटर ऑन द फर्स्ट डे। एक ट्रेन चली है उसने एक दिन में 712 किलोमीटर 350 मीटर का रास्ता तय किया एंड 950 किलोमीटर 45 मीटर ऑन द सेकेंड डे, और दूसरे दिन उसने 950 और 45 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया। ऑन विच डे डज इट कवर मोर डिस्टेंस, कि किस दिन इसने सबसे ज़्यादा दूरी को तय किया एंड बाय हाउ मच, और कितनी दूरी को तय किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट डे कवर्स 712 किलोमीटर एंड 350 मीटर, सेकेंड डे कवर्स 950 किलोमीटर एंड 45 मीटर। अब आपको यहाँ देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर 700 बड़ा होता है या 900, तो हमारा 900 बड़ा होता है। तो हमसे पहला क्वेश्चन तो किया गया है कि किस दिन, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे सेकेंड डे, कि किस दिन ज़्यादा दूरी तय की, सेकेंड डे, और पूछी है कितनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 950 एंड 45। यहाँ पे 945 हो गया, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 712। अब यहाँ पर 45 मीटर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 350, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम किस तरीके से इसको रिटर्न करेंगे कि हमारा जो 45 के नीचे 350 आ सके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 350, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जीरो लगाया तो जीरो लगाने से ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, तो हम जीरो यहाँ पर लगाएंगे। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ, तो हमने जब यहाँ से कैरी ली तो यहाँ बच गए, सॉरी हम यहाँ से बोरो लेंगे उधार लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ 4 बच गया, यहाँ आ गया 9, यहाँ भी बच गया 9, और ये हो हमारा 14 में से 5 गया तो हमारे पास बच जाता है 9, यहाँ है 9 में से 3 गया तो ये बच गया हमारे पास 6, ये 9 में से 2 गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है 7, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, और 9 में से 7 गया तो 2। अब हमसे दो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे कि किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी की, तो हमारा आंसर आया सेकेंड डे, और कितनी की वो थी 237 किलोमीटर
एंड 695 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड इन अ पार्किंग एरिया। यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में सिखाया था, जिस भी चीज़ को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे दोनों से दिखाते हैं, दोनों तरीके के बॉक्सेस में जो आती हैं वो हमारा बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ मीन्स होता है ये जो लॉन्ग वाली वर्टिकल लाइन है, इनको बार ग्राफ बोला जाता है। यहाँ पे व्हीकल पार्क कर रखे हैं पार्किंग एरिया में। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आप इस ग्राफ को रीड आउट करना है और जो आंसर है क्वेश्चन है उनके आंसर आपको रिटर्न करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है, हाउ मैनी व्हीकल्स वर पार्क ऑन द फॉलोइंग डेज। मंडे को कितने व्हीकल पार्क किए गए। यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है ये तो है नंबर ऑफ व्हीकल कि कितने व्हीकल थे, और यहाँ जो नीचे आपको दे रखा है डी। अब सबसे पहले हमसे मंडे का पूछा है तो सबसे पहले आप मंडे देखिए, ये हमारा मंडे रहा। और अब हमें देखना है व्हीकल, तो हमारे व्हीकल है यहाँ, तो हमारे व्हीकल कितने हैं, 500 व्हीकल्स। इसके बाद है फ्राइडे, फ्राइडे को कितने हैं, ये हमारा फ्राइडे रहा और यहाँ कितने हैं हमारे 200, तो ये हमारे हो गए 200 व्हीकल्स। इसके बाद है संडे, ये हमारा संडे रहा और ये हो गया हमारा 300, तो संडे को कितने हैं 300 व्हीकल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल पार्क ऑन मंडे एंड फ्राइडे। अब यहाँ पे टोटल व्हीकल बताने हैं कि मंडे और फ्राइडे को कितने थे। सबसे पहले हम मंडे का देखते हैं, मंडे का है हमारा 500। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है फ्राइडे, तो ये हमारा फ्राइडे, फ्राइडे को है 2। टोटल हमने किया तो ये हमारा हो गया 700 व्हीकल्स। फिर है हाउ मैनी मोर व्हीकल वर पार्क ऑन सैटरडे देन ऑन ट्यूजडे। कि सैटरडे को ट्यूजडे से कितने ज़्यादा व्हीकल हैं। अब हम सैटरडे का देखेंगे तो हमारे पास है यहाँ पर 500। उसके बाद उसने पूछा है ट्यूसडे का, तो हमारे पास ट्यूसडे को है 400। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 व्हीकल। कि सैटरडे हाउ मैनी मोर व्हीकल वर पार्क ऑन सैटरडे, सैटरडे को 100 व्हीकल ट्यूसडे से ज़्यादा थी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ मैनी व्हीकल्स कम टू द पार्किंग एरिया इन द वीक। कि एक वीक में वहाँ पर कितने व्हीकल आते हैं। अब आपको मंडे का देखना है, मंडे का है आपका 500, हमने 500 लिख लिया। ट्यूसडे का है 400, ये हमारा 400 हो गया। फिर है हमारा 600, ये हमारा 600 हो गया। फिर है थर्सडे को यहाँ पर फिर अगेन 500, फिर यहाँ पे हमारा दे रखा है 200, सैटरडे को फिर यहाँ पर है हमारा 500 और यहाँ पर है 300। अब हमें बताने हैं ये टोटल 5 और 4 हो गया 9 और 11 हो गया 20 और 20, 2, 5, 7 और 3, 10 टोटल मिला के ये हो गए आपके 3000 व्हीकल्स। कि उन्होंने पूछा है कि
कि हाउ मैनी व्हीकल केम टू पार्किंग एरिया इन द वीक, एक वीक में वहाँ पर कितने व्हीकल आते हैं, तो 1 वीक में वहाँ पर जो व्हीकल आते हैं वो आते हैं 3,000। ये था आपका असेसमेंट नंबर 1। इसी के साथ ही आपकी जो मैथ की बुक है वो होती है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।